नमस्कार, हंसराज कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्पेशल लेक्चर प्रोग्राम, क्योंकि आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, उस जयंती पर हमारे बीच जिनका आज स्पेशल लेक्चर होगा, आप में से बहुत से लोगों ने उनको ऑनलाइन सुना होगा, और ऑनलाइन सुनने के बाद लगा कि जब किसी खास व्यक्ति की जयंती हो, किसी खास व्यक्ति की जयंती पर खास व्यक्ति का व्याख्यान होना चाहिए, उस समय मुझे लगता है हिस्ट्री डिपार्टमेंट को प्रोफेसर भुवन झा से अच्छा कोई व्यक्तित्व मिल नहीं सकता था। प्रोफेसर भुवन, आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हंसराज कॉलेज के लिए समय निकाला, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हिस्ट्री डिपार्टमेंट की सीनियर टीचर जिनका लेक्चर होगा, मेरी मेंटर है ऐसी डॉक्टर मनमेही बासु, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं हंसराज कॉलेज की तरफ से। डिपार्टमेंट के टीचर इंचार्ज डॉक्टर शर्मिला श्रीवास्तव सीनियर मोस्ट टीचर है डिपार्टमेंट की, उन्हें विशेष विशेष बधाई इसलिए भी देनी चाहिए कि उनके लीडरशिप में हिस्ट्री डिपार्टमेंट टीचर्स की संख्या के अनुसार बड़ा हुआ है, टीचर्स परमानेंट हुए हैं। टीचर इंचार्ज के साथ साथ डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स, आज का दिन खास इसलिए भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपना 100वां वर्ष मना रहा है, सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है, और हंसराज कॉलेज 75वें वर्ष में चल रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगा आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन टैगोर की उससे शुरू की, और सुभाष चंद्र बोस का जो थोड़ी सी क्लिपिंग आपने दिखाई, मुझे लगता है जब प्रोफेसर भुवन झा का लेक्चर हो जाएगा तो लगेगा कि हमें कदम से कदम मिलाकर इस राष्ट्र को आगे लेकर जाना है। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए ही 1948 में हंसराज कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रोफेसर भुवन, उस समय हंसराज कॉलेज की मैनेजमेंट के सामने खुला प्रस्ताव था, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल 3 महाविद्यालय खुले थे, बाकी पूरा विश्वविद्यालय खाली था। अगर मैनेजमेंट चाहता तो यूनिवर्सिटी की कोई भी जगह ले सकता था, जहां पर आज मिरांडा हाउस है वो भी ले सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने वो जगह नहीं ली। मैनेजमेंट ने कहा कि हमें पहाड़ी का यही कोना चाहिए। इस खास कोने को ढूंढने की वजह थी, जो नई पीढ़ी है वो उस वजह को नहीं जानती बच्चों, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, मैनेजमेंट ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ जो गुफाएं थी इनमें स्वतंत्रता सेनानी छुपा करते थे, और ये माना गया कि जिन गुफाओं में स्वतंत्रता सेनानी छुपा करते हैं, अंग्रेजों को मात देने की रणनीति बनाया करते हैं, यदि यहाँ पर हंसराज कॉलेज की स्थापना होगी तो हंसराज कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में नए मुकाम स्थापित करेगा। इस उद्देश्य को लेकर, क्योंकि डीएवी संस्था का हंसराज कॉलेज है, आप सबको मालूम होना चाहिए, आर्य समाज से जुड़ा हुआ कॉलेज आप सबको मालूम होना चाहिए, उस समय यह माना गया कि शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टीफंस कॉलेज है, शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है। हंसराज कॉलेज का एक उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करेगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए चरित्र की सबसे बड़ी भूमिका है। जब हमारा चरित्र निर्माण होता है उस समय हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आज पूरा का पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको मैं फिर से बधाई देती हूँ, लेकिन आपको एक संदेश भी देना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों में आपने मीडिया चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह हंसराज कॉलेज के इशू को उभरते हुए देखा है। प्रोफेसर भुवन झा, हंसराज कॉलेज अपने 75वें वर्ष में चल रहा है, कोविड का समय हम सब ने देखा है, हर संस्था का अपना अनुशासन होता है, हर संस्था के अपने नियम होते हैं, और जब भी कोई हंसराज कॉलेज में आए उसको मालूम होना चाहिए हंसराज कॉलेज किस अनुशासन से जुड़ा हुआ है, हंसराज कॉलेज में किन चीजों का पालन किया जाएगा और किन चीजों का पालन नहीं किया जाएगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए हमारे टीचर्स, मैं खुद भी आपकी एक टीचर हूं, हम सुबह से रात तक, रात से सुबह तक हम आपके बीच में हैं, आपको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, आपको अच्छे क्लासरूम मिलने चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं कॉलेज में जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो केवल और केवल आप लोगों के लिए हो रही है। हंसराज कॉलेज निरंतर आगे बढ़ रहा है, हंसराज कॉलेज
कॉलेज का अपना लक्ष्य है, हंसराज कॉलेज के अपने उद्देश्य हैं, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का वह कॉलेज है जिसने अपने उद्देश्य, जिसने अपना अनुशासन खुद निर्धारित किया हुआ है। और यदि मैं बहुत दृढ़ संकल्प के साथ कह रही हूँ सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में और प्रोफेसर भुवन झा आपकी उपस्थिति में, यदि किसी ने भी इसकी हवा को खराब करने की कोशिश की, किसी ने भी यहाँ के अनुशासन को खराब करने की कोशिश की, तो हंसराज कॉलेज का प्रशासन जो बहुत संवेदनशील है, हंसराज कॉलेज का प्रशासन जो आपकी हर बात का ध्यान रख सकता है, आपके विकास के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, आपको अच्छा परिवेश देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। लेकिन यदि किसी ने भी इस कॉलेज के अनुशासन को खराब करने की कोशिश की, इस कॉलेज की दिशा को खराब करने की कोशिश की, तो फिर हंसराज कॉलेज से सख्त प्रशासन भी कोई नहीं होगा। और प्रशासन जब कोई निर्णय लेता है बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है। दो दिन पूर्व मुझसे एक चैनल ने पूछा कि आपने अपना निर्णय विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा फिर आप हंसराज के कॉलेज के प्रशासन को आप जानते ही नहीं है, या तो हम निर्णय लेते नहीं है, ले लेते हैं तो हम निर्णय को विड्रॉ नहीं करते। बच्चों से सारे आप सब स्टूडेंट्स से टीचर से भी ज्यादा मैं स्टूडेंट्स से भरोसा करती हूँ, बहुत भरोसा करती हूँ मेरे बच्चों में आप पर। आपको हमारी ताकत बनना है, आपको हंसराज कॉलेज को आगे लेकर जाना है। आप हंसराज कॉलेज का ही नहीं, आप इस देश का भविष्य हैं, युवा भारत के युवा भविष्य हैं आप। सबकी निगाहें आप पर हैं, आप उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं जिस समय हम भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं, जिस समय हम भारत में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आज आप कृत संकल्प होकर अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बिहाफ पर डॉक्टर शर्मिला, क्योंकि आप टीचर इंचार्ज हैं, आपकी उपस्थिति में मैं एक एक सदस्य से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, आप किसी की बातों में मत आइए, आप सकारात्मक रुख रखिए, जीवन में पॉजिटिव रहिए, जीवन में पॉजिटिव रहेंगे अपना भी विकास करिए। और मैं मान के चल रही हूं अगर हंसराज का भविष्य अच्छा है तो भारत का भविष्य अच्छा है, आप भारत का भविष्य। मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है मुझे आपसे, आप दिन रात रात के किसी भी पल आप मुझे याद करेंगे, आप अपने टीचर को याद करेंगे, हम तमाम काम छोड़कर आपके साथ खड़े होंगे, बशर्ते आपका कदम हंसराज कॉलेज के विकास के लिए होना चाहिए। और यदि हंसराज कॉलेज के आपके किसी भी कदम ने हंसराज कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम रात को 12 बजे भी आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये हमारा तो इस अवसर पर लगता है कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, गंदी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम जाग रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं कर देती हूँ, प्रोफेसर भुवन झा आपका विशेष अभिनंदन करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज आपका वक्तव्य सुनने के बाद हर विद्यार्थी के मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं भी जीवन जीऊं तो सुभाष चंद्र बोस की तरह का जीवन जीऊं। इसी विश्वास और आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमस्कार।